Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Welcome student. आज हम न्यू कॉन्वेंट 6 सेकेंड एडिशन के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4B स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसमें है एलसीएम, बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन, और इसके अलावा एलसीएम के काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में भी हैं, वो भी हमने करने हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। उसका पहला पार्ट है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल से मुराद उस नंबर का टेबल होता है। हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल ऑफ 4। मैं स्टूडेंट में लिखता हूं, आप अपने जेन में साथ साथ आप बोल भी सकते हैं। आप इसको जब तक मैं लिखता हूं आप भी बोलते रहें। इसको हमने इस तरह से लिखा है 4 1s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40, 4 11s are 44 and 4 12s are 48। उसके बाद हम मल्टीपल लिखेंगे 6 के। फिर मैं लिखता हूं आप भी सोचें। हाँ जी, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 8, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 58, 6 9s are 54 and 6 10s are 60। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 8। 8 1s are 8, 8 2s are 16। हाँ जी, आगे स्टूडेंट दोहराए आप। एट वन आर एट, एट टू आर 16, एट थ्री आर 24, एट फोर आर 32, एट फाइव आर 40, एट सिक्स आर 48, एट सेवन आर 56, एट एट आर 64, एट नाइन आर 72 और एट टेन आर 80। अब हमने इसमें देख रहे हैं कॉमन कॉमन मल्टीपल। हमने देखना है कि वो कौन कौन से हैं। एक तो इन दोनों में 12 है, लेकिन इसमें 12 नहीं है, इसलिए 12 तो नहीं हो सकता। तो ये है एक 24 24 एंड 24, और उसके बाद आगे जाकर आता 48 48 एंड 48। इनके अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए हमारे कॉमन मल्टीपल जो हैं वो 24 एंड 48 है। तो चूंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो ये 24 एंड 48 है, तो लीस्ट कौन सा हुआ, सबसे छोटा कौन सा है, कम कौन सा है, वो है 24, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद सेकंड वाला है 10 का मल्टीपल ऑफ 10। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 15।
15 10 ones are 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 16 fives are 75, 16 six are 90, 60 sevens are 15 sevens are 105, 15 eights are 120, 15 nines are 130 and 15 tens are 150. उसके बाद 20 का है मल्टीपल ऑफ 20, 20, 40, 80, 20, 40, 60, 80, 60, 80, उसके बाद 100, 120, 140, ये उसके मल्टीपल हैं 20. तभी हमने इसके कॉमन मल्टीपल लिखने हैं. कॉमन मल्टीपल है एक तो 30, इन दोनों में तो नीचे वाले में नहीं है, उसके बाद 60 है दोनों में, तीनों में 60 और उसके बाद फिर 120 भी तीनों में है. तो कॉमन मल्टीपल आए 60 एंड 120. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम LCM कहते हैं वो है 60. तो ये हमारा आंसर हुआ 60. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू करते हैं. अभी हम क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं. फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स आपने यकीनन पहले सीखे हुए हैं. प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो जो वन पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं. पहला है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19. तकरीबन यहां तक तो हमें जरूरत सिर्फ ये पहले तीन चार की जरूरत पड़ेगी. अरेंजमेंट यही होगी और इनके अलावा किसी से भी हम फैक्टराइज नहीं करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा 45, 75 एंड 125. पहले इनके फैक्टर्स बनाते हैं. 45 के फैक्टर्स सबसे पहले हमें करना चाहिए 2 से, लेकिन 2 से नहीं होता, 3 से होता है. 3 वन जर 3 एंड 3 फाइव जर 15, 3 फाइव जर 15, 5 वन जर 5. उसके बाद 75, 3 से करेंगे तो 25 आ गया. 5 5 is 25, 5 1 5. Next है 125. ये तीनों बार 5 से जाता है. 5 से करेंगे तो 25 आ गया. फिर 5 से करेंगे तो 25 आ गया. फिर 5 से करेंगे तो 5 आ गया. फिर 5 से करेंगे तो 1 आ गया. तो हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45. ये है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, 3 5 एंड 5. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. इसको हम आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब. तो एलसीएम फाइंड आउट इसका हमने करना है. एलसीएम ऑफ 45, 75 एंड 125. इसमें सबसे ज्यादा पावर जिसकी है उसे हम ले लेंगे. जैसे 5 की सबसे बड़ी पावर है, 3 की लेते हैं, 3 की पावर है 2, तो फिर ये 1, 3 की पावर जो 1 नहीं है हम नहीं लेंगे, सिर्फ 3 पावर 2 लेंगे.
और 5 पार्ट 3 जो है उसी में 5 पार्ट 2 आ जाते हैं, उसी में सिंगल 5 कर देता, इसलिए सिर्फ हम दो इसमें लेंगे सबसे बड़ी पावर वाले। थ्री थ्री आर 9, 5 5 है 25, ये 3 × 5 हो तो 125 आता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 से करने से आ गया 1125। ये आ गया हमारा पहला। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है 35, 49 and 91। इसके फैक्टर्स बनाते हैं सॉल्व करते हुए। 35 के 5 7s are 35, 7 1s are 7, 49 के 7 7s are 49, 7 1s are 7, फिर 91 के 7 1s are 7, 7 3s are 21, 13 1s are 13। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 याद रहेगा 5 × 7, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49, 7 × 7, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, 7 × 30। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये तो सेम ही आ गए, ये 7² आ गया, ये 7 × 13 आ गया। इसके एलसीएम मालूम करेंगे, एलसीएम ऑफ 35, 49, 91। हमने देखना है कि कौन कौन से आएंगे, एक तो 7² आ गया, 5 आ गया सबसे पहले, फिर 7² है और फिर इसका 39, 5 × 49 × 13। तो तीनों को आपस हम इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 49 को 5 से किया, उसके बाद इसको 13 से किया, जाएगा 5 8 11 and 3, 3 1 8 5। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका, 42, 48 and 56। 42 के हम बनाते हैं, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7, ये 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 3 and 1। उसके बाद 56 है, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 14s are 28, 2 7s are 14, 7 1s are 7। Prime factors of 42, 2 × 3 × 7, 48, 1 2 3 4, 4 × 4 है और फिर है 3। उसके बाद prime factors of 56, 2 × 2 × 2 × 7, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से ये 2 3 7 तो सेम ही आ गया, इसमें 1 2 3 4, 2 पावर 4 आएगा आगे 3, 2 पावर 3 आएगा आगे 7। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें 2 raised to power 4, इसमें 2 raised to power 3 है,
तो जिसमें सबसे बड़ी पावर होती है वो हम लिख लेते हैं, एलसीएम 2/4 मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 दोनों में है, एक दफा 3 लिख दिया, 1/7 भी 1 लिख दिया, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 16 3 48 मल्टीप्लाई 7, 7 8 56, 5 carry, 7 4 28 and 5 30 3, तो आंसर इसका आ गया 336. अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका फोर्थ वाला है, उसको सॉल्व करते हैं. 28 28 35 56 84. तो सबसे पहले हम 28 की फैक्टर्स बनाते हैं, 2 14s are, 2 7s are, 7 1s are, उसके बाद 35 के, 5 7s are, 7 1s are, 56 के, यहां पे हमने 56 के बनाए हैं, 2 7s are 14, 7 1s are 7, आखिर 84 है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7. Prime factors of 28. 2 multiply 2 multiply 7. उसके बाद prime factors of 35. फिर prime factors of 56. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7. फिर आखिर में prime factors of 84. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम, 2 square multiply 7, 3 multiply 7, 1 2 3, 2/3 multiply 7, 2 square multiply 3 multiply 7. तब इसमें सबसे जो बड़ी पावर है वो हम लिखेंगे, LCM of 28, 35, 56, 84. तो सबसे पहले 2 हमारे पास आता है, 2/3 है, वो लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और एंड पे हम 7 लिखेंगे. तो 2 को 3 टाइम किया, 2 2 4, 4 2 8, 8 multiply 3 multiply 7, 8 3 24 multiply 7, 168. स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके और इनको करना है डिवीजन मेथड से. इसके एलसीएम फाइंड करना है, फर्स्ट है हमारा 45 एंड 50. पहले हमने फैक्टर्स अलग अलग बनाते थे, लेकिन अब फैक्टर्स हम तमाम नंबर्स के इकट्ठे बनाएंगे. जैसे कि 45 एंड 50 है, हमने ये चेक करना है, अरेंजमेंट हमारी यही रहनी चाहिए, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से. तो पहले हम 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 5 10. अब दोनों में से कोई भी 2 से नहीं होता, तो 3 से होता है, 3 1 3, 3 5 15. फिर हम 3 से करेंगे, 3 5 15. फिर हम 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 5 25. फिर करेंगे 5 1 5 एंड 5 1 5. तो एलसीएम हमारा क्या हुआ,
पहले तो हम इसको फैक्टर्स इनके लिख लेते हैं सभी के, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 आर 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, या हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2 3 आर 6 6 3 आर 18 2 3 आर 6 6 3 आर 18 5 5 आर 25। तो 25 को 18 से करेंगे, इसका आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 14, 21 एंड 56। तो 14, 21 एंड 56 का हम इकट्ठे ही लेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 7s आर 14, 21 ऐसे ही आएगा क्योंकि ये 3 से होता है, 2 से नहीं होता। 2 2 आर 4, 2 8s आर 16, 8 2 से जाएगा, ये दोनों सेम आएंगे, 2 14s आर 8 2 से। अब इसके बाद हमारा 7 से भी जाता, 3 से भी, लेकिन यहां पे हमारी अरेंजमेंट के मुताबिक पहले हम 3 से करेंगे, 3 से हम कर रहे हैं, 3 7s आर 21, 7 आ गया, 7 1s are 7, 7 1s are 7 and 7 1s are 7। तो इसके LCM क्या होगा, हम सभी को लिख लेते हैं, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 7s are 168, 7 2s are 7 4s are 28, 2 carry, 7 2s are 14 and 2 16। उसके बाद पार्ट नंबर हमारा 3 है, 16 24 30 40 and 48, 16 24 30 40 and 48। इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 10 हो गया, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 0 आ गया, 2 2s are 4, 2 4s are 8, फिर 2 से, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 10s are 24, 2 12s are, 2 10s are 20 and 2 10s are 24, फिर 2 से, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 6s are 12, फिर 2 से, 2 1s are 2, ये बाकी ऐसे आएंगे, 2 3s are 6। नेक्स्ट है हमारा 3, 1 ऐसे आएगा, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 ऐसे आएगा, 3 1s are 3, और आखिर में 5 से। इसके एलसीएम हमारा, पहले इसके फैक्टर्स देखेंगे, 2 1 1 2 3 4 टाइम 2 है, 3 और फिर 5, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48 मल्टीप्लाई 5, 5 8s are 40, 4 carry, 5 4s are 20 and 4 24। तो इसका आंसर आया 240। तो इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट को यहां पे हम कर लेते हैं, थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर सेवेंटी टू नाइनटी सिक्स वन हंड्रेड एट। इसको सॉल्व करते हैं,
सबसे पहले टू से, टू वन जर टू, टू एट जर सिक्सटीन, टू टू जर फोर, टू सेवन जर फोरटीन, टू थ्री जर सिक्स, वन बजे ट्वेल्व, टू सिक्स जर ट्वेल्व, टू फोर जर एट, टू एट जर सिक्सटीन, टू फाइव जर टेन, टू फोर जर एट। उसके बाद फिर टू से, टू नाइन जर एटीन, ट्वेंटी सेवन ऐसे ही आएगा, टू वन जर टू, टू एट जर सिक्सटीन, टू टू जर फोर, टू फोर जर एट, टू टू जर फोर, टू सेवन जर फोरटीन, फिर टू से जाएगा, नाइन और ट्वेंटी सेवन ऐसे ही आएगा, टू नाइन जर एटीन, टू ट्वेल्व जर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सेवन सेम ऐसे ही। फिर टू से, टू सिक्स जर ट्वेल्व, फिर टू से, टू थ्री जर सिक्स, अब थ्री से, थ्री थ्री जर नाइन, थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जर नाइन, थ्री वन जर थ्री, थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन, फिर थ्री से, थ्री वन जर थ्री, थ्री थ्री जर नाइन, थ्री वन जर थ्री, थ्री वन का वन, थ्री थ्री जर नाइन, फैक्टर्स बन गए हमारे। अब इनको हम इनके एलसीएम फाइंड करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम टू है, वन टू थ्री फाइव, उसके बाद थ्री टाइम सिक्स है, थ्री टाइम थ्री है, टू टू जर फोर, फोर टू जर एट, एट टू जर सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जर थर्टी टू, इसको भी हम इकट्ठे कर लेते हैं, थ्री थ्री जर नाइन, नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन, तो थर्टी टू को ट्वेंटी सेवन से हम करते हैं, या क्या एट सिक्स एंड फोर, एक दो फिर से चेक कर ले, सेवन टू जर फोर्टीन, वन कैरीज, सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन, एंड टू ट्वेंटी टू, वन एंड वन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, टू टू जर फोर, टू थ्री जर सिक्स, फोर सिक्स एंड एट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर फोर करें।